हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। अगर आपको भी एलर्जी है, अगर आप भी दांत, खाद, खुजली, दाने जैसी प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। लोगों को इतनी ज्यादा खुजली होती है कि लोग खुजलाते खुजलाते उनमें खून निकल आता है, घाव हो जाता है, फिर उसमें दर्द होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोगों का शरीर आए दिन खराब होने लगता है। अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी और मेरे बताए हुए तरीकों को अगर आपने अपनाया तो मैं दावा करता हूँ कि आपको यह प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने इतनी जानकारी दी है कि आपको 15 वीडियो देखने के बाद भी उतनी जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। पहले में हम बात करें कि एलर्जी आखिर किन किन कारणों की वजह से होती है। उसके बाद हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ घरेलू तरीके के बारे में आपको बताएंगे कि घर पे रहकर एलर्जी को किस तरह ट्रीट करना है, जो कि आपको एलर्जी खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, बात करें एलर्जी होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो इसका मेन और मुख्य कारण यही होता है कि हम लोग नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छे से नहीं पोछते हैं, शरीर गीला रहता है, उसी के ऊपर हम कपड़े पहन लेते हैं जिसकी वजह से हमको एलर्जी होने लगती है। या फिर कभी कभी हम लोग नहाने के बाद गीले कपड़े पहन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमको एलर्जी हो जाती है। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में रहते हैं जिसको पहले से एलर्जी है तो भी आपको एलर्जी हो सकती है। या फिर आप खाने में नॉनवेज, चिकन ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको एलर्जी हो सकती है। कभी कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी एलर्जी हो जाती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट में कीड़े हैं तो भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी होने के काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कि इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली बॉडी में एलर्जी हो रही है या फिर कभी कभी आपको खुजली होने लगती है तो ऐसे में आप एटारेक्स 10 mg या फिर एटारेक्स 25 mg की टैबलेट खा सकते हैं। यह टैबलेट आप तभी खाएं जब आपको एलर्जी हो। अगर आपको दांत जैसी, रिंगबर्न जैसी प्रॉब्लम है या फिर आपके पूरे शरीर पर अचानक दाने निकल आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुजलाते हैं तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट रेगुलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में आप इट्राकोनाजोल 200 mg टैबलेट, साथ में लिवोफिट्रजिन 5 mg टैबलेट को सुबह शाम खाना खाने के बाद खाएं। इसके साथ साथ आप फ्लूकोनाजोल टैबलेट जैसे कि फोरकॉन या फिर न्यूफोस 200 mg की टैबलेट आप हर हफ्ते रात में खाना खाने के बाद सोते समय खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इफेक्टिव एरिया पे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग मार्केट जाते हैं और नॉर्मली केमिस्ट से एक ऐसी क्रीम एलर्जी की ले आते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एस्ट्राइड पड़ा होता है। यह क्रीमों का क्या होता है, ये क्रीमें लगाने से आपको आराम तो तुरंत मिल जाएगा लेकिन जब आप इन क्रीमों को छोड़ेंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एलर्जी बढ़ने लगती है और फिर वह एलर्जी ऐसी बढ़ती है कि वह काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बाद ठीक होती है। तो ध्यान रखें, आप इस तरह की क्रीमों का यूज ना करें जिसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूले पड़े हैं। मेरा माने तो आप एक फार्मूले की क्रीम यूज करें जिसमें सिर्फ एक फार्मूला पड़ा हो। यह क्रीम आपको थोड़ा रुक के तो आराम देगी लेकिन ये आराम ऐसा देगी कि आपको ये क्रीम बंद करने के बाद इन क्रीमों का साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लुलिकानाजोल की क्रीम ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा दें ये लुली ब्रुट नाम से क्रीम है, मैनकाइंड कंपनी की है, इसमें लुलिकानाजोल पड़ा है। एलर्जी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये क्रीम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। यह क्रीम आपको हर केमिस्ट में मिल जाएगी। लुलिकानाजोल फार्मूले की आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, अच्छी कंपनी को आप देख लीजिएगा, हर केमिस्ट में आपको मिल जाएगी। यह क्रीम आपको दिन में 3 बार लगानी है, यानी कि हर 8 घंटे पे आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है, साथ में आपको यह मेडिसिन खानी है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट में यह प्रॉब्लम है जहाँ पे आप क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे में लोशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लोवेट GM लोशन आता है या फिर लुली ब्रूट क्रीम का भी लोशन आता है, लुलिकानाजोल, या फिर आप एफकाबियाल लोशन ले सकते हैं, यह आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। इन लोशन को भी आपको दिन में 3 बार लगाना है
और यह मेडिसिन आपको तब तक यूज करनी है जब तक आपको इन प्रॉब्लम से पूरी राहत ना मिल जाए। चलिए हम लोग एक बार कंफर्म करा देते हैं, इट्राकोनाजोल 200 mg टैबलेट साथ में लिवोफिटरिन 5 mg टैबलेट आपको सुबह शाम खानी है रेगुलर। इसके साथ साथ फ्लूकोनाजोल टैबलेट आपको हर हफ्ते खानी है और क्रीम्स आपको पर्टिकुलर लगानी है दिन में 3 बार। चलिए बात करते हैं एलर्जी खत्म करने के लिए घरेलू तरीके के बारे में। देखिए सबसे पहली बात यही कि आप नहाते समय केमिकल साबुनों का यूज ना करें, आप टेटमोसॉल मार्गो मेडिमिक्स जैसे साबुनों का यूज करें। इसके साथ साथ आप नहाने के बाद साफ कपड़े और अपने शरीर को अच्छे से साफ रखें और आप मार्केट से नारियल का तेल ले आए, साथ ही आप कपूर ले लें और कपूर को पीस कर नारियल के तेल में आप मिला लें और इसको आप अपने शरीर में डेली अप्लाई करें तो आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आप ये बताए हुए मेरे तरीकों को अपनाते हैं तो मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से पूरी राहत मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।